अस्सलाम वालेकुम। वालदा की रसोई में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम बनाएंगे मैंगो शेक। इसके लिए हमने ये आम लिया है, इसको हमने काट लिया है छील के, और ये हमारे दो आम थे मीडियम साइज के, इसको हमने मैंगो शेक वाले आम होते हैं वही लिए। और ये हमने चीनी ली है, एक गिलास दूध है, और ये हमारे पास ये बादाम है थोड़े से हमने ये काट लिए, और ये काजू है, और ये पिस्ता है, और ये टूटी फ्रूटी थोड़ी सी ये हम ऊपर से डालेंगे गार्निशिंग। अभी हम बनाते हैं दो गिलास, बहुत अच्छा बनता है, आप बना के दिखाते हैं। अभी ये आम को हम इसमें डालेंगे, ये हमने फ्रीजर में रख दिया था तो इसलिए ऐसा हो गया, ठंडा तो वैसे ही होता है, हम ऐसे पीसेंगे इसे। पहले हम ये आम को ऐसे चलाएंगे मिक्सर जार में, इसको ऐसे हमने डाल लिया। अब इसको पहले हम ऐसे चलाते हैं, उसके बाद हम इसमें दूध और चीनी डालेंगे। अभी इस तरह का हो गया, ये पिस गया है। अभी हम इसमें और दूध डालेंगे, ये दूध हमने आधा दूध डाला है, अभी और डालेंगे। इसमें से पहले हम थोड़ा अलग कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा ज़्यादा, मतलब इसमें हम दूध डाल के और बढ़ाएंगे, इसको पतला करेंगे, ये बहुत गाढ़ा है तो इसको आधा अलग कर लेंगे, फिर उसके बाद हम दूध डालेंगे और चीनी भी डालेंगे। अभी हमने आधा निकाल लिया इसमें कटोरी में, इसको हम बाद में चलाएंगे दूध डाल के, क्योंकि ये भर जाएगा जार तो ऊपर निकलता है, इसलिए हमने आधा निकाल लिया। और ये हमने केसर वाला दूध इसमें आधा डाल दिया, आधा उसमें डालेंगे। आप चाव डाल सकते हैं और ना येलो कलर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, उससे क्या होता है मैंगो में अच्छा कलर आ जाता है, इसलिए हमने ये डाला है। आपके आपको अगर पसंद है तो कलर डालो, वरना छोड़ भी सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसे हम चलाएंगे, चार चम्मच चीनी डाली है हमने इसमें। अब इसमें हम ये बर्फ डालेंगे, इसको भी डाल के हम इसमें चलाएंगे, इसको डाल के हम इसे चला के लाते हैं। अब ये मैगो शेक हमारा बन गया, अब ये बन गया, अब हम इसे गिलास में डालते हैं। अब ये बन गया हमारे मैगो शेक, देखना अच्छा लग रहा है। अब हम दिखाते हैं इसमें, अभी हम थोड़े से ऊपर से ये बादाम रखेंगे, थोड़ी सी ये टूटी फ्रूटी भी डालेंगे, इससे भी अच्छा दिखेगा। ये डालते हैं, ये केसर थी, थोड़े से हम ये पिस्ते भी डालेंगे इसमें। अब ये बन गया हमारा मैंगो शेक, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बना है। आप भी हमारे तरीके से बनाए और बताएं हमारी रेसिपी कैसी थी, हमारे ये मैगो शेक। इसके लिए मैगो शेक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दूसरी रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।